हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम इग्नू पीएचडी हिंदी एंट्रेंस के पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी कहानी के अंतर्गत मानसरोवर भाग एक नशा कहानी के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था और इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 में। धनपत राय श्रीवास्तव, जो प्रेमचंद नाम से जाने जाते हैं, वो हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। इन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनके साहित्य की मुख्य विशेषता है। सबसे पहले हम इस कहानी के पात्र को देखते हैं। पात्र में है ईश्वरी, जमींदार का लड़का, वीर ईश्वरी का दोस्त, रियासत अली, राम रख ठाकुर। आइए इस कहानी के कथावस्तु को देखते हैं। नशा कहानी प्रेमचंद के द्वारा रचित कहानी है, जिसमें इन्होंने वीर के माध्यम से यह संदेश दिया है कि धन में कितना नशा होता है। वीर के साथ भी यही होता है। वीर गरीब क्लर्क का बेटा है, ईश्वरी जमींदारी घर का लड़का है। वीर हमेशा ही जमींदारों की बुराई करता है। वह हमेशा ही जमींदारों को खून चूसने वाला जोंक कहता है, लेकिन ईश्वरी कभी भी इसका विरोध नहीं करता। वीर के प्रति उसका व्यवहार नरम ही रहता है। इस बार की दशहरे की छुट्टियों में वीर ने घर ना जाने का फैसला किया, क्योंकि उसके पास पैसे भी न थे और वह अपने परिवार वालों को कोई कष्ट भी नहीं देना चाहता था। मैं जानता हूँ वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। ऐसे समय में जब ईश्वरी उसे अपने घर चलने का आमंत्रण देता है, वीर इनकार नहीं करता और उसके साथ चलने की तैयारी करने लगता है। लेकिन ईश्वरी उसे वहाँ जमींदारों की बुराई करने से मना करता है। इससे उसके घर वालों को बुरा लग सकता है, लेकिन वीर इस बात के लिए राजी नहीं होता। वह कहता है, तो क्या तुम समझते हो मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊँगा? ईश्वरी के घर पहुँचने पर वीर हक्का बक्का रह जाता है। उसका घर मानो महल था। उसके घर में सारी सुविधाएं थी, हर काम के लिए नौकर थे। ईश्वरी अपने परिवार वालों के सामने अपने मित्र का परिचय एक जमींदार पुत्र के रूप में करवाता है, जिसकी साल भर की कमाई 2.5 लाख की है। और साथ ही वह यह भी कहता है कि वीर महात्मा गांधी के भक्त हैं, और वीर भी उसकी बातों का विरोध करता हुआ नज़र नहीं आता। पर न जाने क्या बात थी कि वह यह सफ़ेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद ना जान पड़ा। अब वीर गांधी भक्त कुंवर साहब बन गया था। जिन जमींदारों की बुराई करते वह नहीं थकता था, आज वह खुद उन्हीं के जैसा ही जीवन जी रहा था। उन्हीं के समान दुर्व्यवहार वह घर में काम करने वाले नौकरों के साथ करता था। मैंने भी पाँव बढ़ा दिए, कहार ने मेरे पाँव भी धोए। मेरा वह विचार न जाने कहाँ चला गया था। मैंने ऐसी डांट लगाई कि उसने भी याद किया होगा। इन दोनों की छुट्टियां सैर सपाटे में ही बीत गई। छुट्टी खत्म होने पर दोनों मित्र वापस प्रयाग जाने का निर्णय करते हैं। आरक्षण ना मिलने के कारण गाड़ी के डिब्बे में वह काफ़ी भीड़ थी, पांव रखने की भी जगह ना थी। ऐसे में एक गरीब की गठरी बार बार वीर के चेहरे से रगड़ खा रहा था। इतने में क्रोध आ जाता है और वह उसे ढकेल कर 2 थप्पड़ मार देता है। यह देखकर गाड़ी में मौजूद सभी लोग वीर का विरोध करने लगते हैं और उसे तरह तरह के बात सुनाने लगते हैं। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे? अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है? ईश्वरी भी उसे अंग्रेजी में कहता है, व्हाट एन इडियट यू आर वीर। तब वीर का नशा धीरे धीरे खत्म होने लगता है। यह नशा झूठी अमीरी और झूठे इंसान का है, जो एक झटके में ही समाप्त हो जाता है।
बीर के चरित्र में खोखलापन है। वह अपनी वास्तविक पहचान को छोड़कर दिखावे के लिए झूठी पहचान को अपनाता है। वह जो नहीं है, ईश्वरी के घर में बीर वह बनकर रहता है। जिसकी बुराई करते वह नहीं थकता, वह स्वयं उन्हीं के आचरण के अनुरूप खुद को बना लेता है। आइए देखते हैं इस कहानी के महत्वपूर्ण पंक्तियों को। मैं जानता हूँ वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज़्यादा है। अगली पंक्ति, तो क्या तुम समझते हो मैं वहाँ जाकर कुछ और हो जाऊँगा। अगली पंक्ति, पर न जाने क्या बात थी यह सफ़ेद झूठ, उस वक्त मुझे हास्यास्पद ना जान पड़ा। अगली पंक्ति, मैंने भी पाँव चढ़ा दिए, कहाँ ने मेरे पाँव भी धोए, मेरा यह वह विचार ना जाने कहाँ चला गया था। मैंने ऐसी डांट लगाई कि उसने भी याद किया होगा। अगली पंक्ति, अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल बिल्कुल खो देता है। अगली पंक्ति, व्हाट एन इडियट यू आर बीर। अगली पंक्ति, उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहाँ अगर ज़मींदारों की निंदा की तो मुआमिला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वह लोग तो असामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वर ने असामियों को उनकी सेवा के लिए पैदा किया है। असामी भी यही समझता है। अगर उसे सुझाव दिया जाए कि ज़मींदार और असामी में कोई मौलिक भेद नहीं तो ज़मींदारी का कहीं पता ना लगे। अगली पंक्ति, मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि यह सफ़ेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद ना जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मानो मैं उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता था। अगली पंक्ति, गाड़ी चली, डाक थी, प्रयाग से चली तो हम प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला, मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दरवाज़ा है, सेकेंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ सेवक भी इतना समझता है, और बीच वाले पर बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई कह नहीं सकता। अगली पंक्ति, एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बंधा था कलकत्ते जा रहा था, कहीं गठरी रखने की जगह ना मिलती थी, पीठ पर बांधे हुए था। इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था। उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी गठरी से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरे उस गवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर जब्त किए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया, मैंने उसे पकड़कर धकेल दिया और दो तमाचे जोर जोर से लगाए।